नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके एग्जाम में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान हाईकोर्ट परीक्षा के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। और इसमें बात करने वाले हैं स्थिति विस्तार या मुख्य भौतिक विभाग से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप जरूर देखें। जितने भी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, आप साथ साथ में कमेंट करके आप जरूर बताएं। आज का हमारा एक नंबर क्वेश्चन है, किस नदी के पाट को राजस्थान में नाली के नाम से जाना जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, सतलज नदी, गगर नदी, लूनी नदी या फिर कोई नहीं। जल्दी सुनाए, राजस्थान नाली के नाम से जाना जाता है किसको। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसको फ्रेंड्स है, गगर नदी को। बी ऑप्शन फ्रेंड्स है, 321 में अपना बी ऑप्शन राइट रहेगा फ्रेंड्स। इससे पहले हमने 320 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो 321 में अपना बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 322, अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है। दक्षिण पश्चिमी, दक्षिणी मध्यवर्ती या फिर दक्षिणी पूर्वी। 322 फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो क्या रहेगा, मध्यवर्ती। सी ऑप्शन फ्रेंड्स, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 323, शेखावटी प्रदेश के कौन से जिले में कोई नदी नहीं पाई जाती। नागौर, झुंझुनू, चूरू या फिर सीकर में। जल्दी बताएं फ्रेंड्स, किस जिले में नहीं पाई जाती, चूरू जिले में नहीं पाई जाती, ठीक है। सी ऑप्शन 323 में अपना सी ऑप्शन राइट रहेगा। गलत युगम की पहचान करें, गलत युगम की पहचान करना फ्रेंड्स, सिरोही अचलगढ़ चोटी, अजमेर तारागढ़ चोटी, जयपुर खो चोटी या फिर सिकर गुरु सिकर चोटी। इसमें कौन सी चोटी, कौन सी जगह नहीं है वो आपको बताना है। 324 फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा रहेगा, सिकर गुरु सिकर चोटी। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन फ्रेंड्स इसमें अपना राइट रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है, बताना है आपको गुरु सिकर चोटी किस जिले में है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो 324 में अपना डी ऑप्शन राइट रहेगा, ठीक है। 325, राजस्थान के किस अंचल को बांगर प्रदेश भी कहा जाता है। जल्दी से बताएं, राजस्थान के किस अंचल को बांगर प्रदेश भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, तो किस प्रदेश को फ्रेंड्स, शेखावाटी अंचल को बांगर प्रदेश भी कहा जाता है। 325 में अपना बी ऑप्शन दोस्तों राइट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट 326, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है। 326 फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा रहेगा इसका सही आंसर, अरावली पर्वतीय अंचल। सी ऑप्शन दोस्तों 326 में सी ऑप्शन अपना इसमें राइट रहेगा। अरावली पर्वत का विस्तार है, अरावली पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, ये आपको बताना है। 327 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक। सी ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है। ये आपको बताना है, चंबल बेसिन, लूनी बेसिन, बनास बेसिन या फिर यमुना बेसिन। यमुना बेसिन जल्दी से क्या रहेगा, 328 वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही, बनास बेसिन। सी ऑप्शन दोस्तों 328 में सी ऑप्शन अपना इसमें राइट है, ठीक है। नेक्स्ट 329, राजस्थान के थार मरुस्थल में दशदवती नदी की घाटी में किस प्रकार के बालू का स्तूप चिन्हित होते हैं। ये आपको बताना है, दशदवती नदी की घाटी में किस प्रकार के बालू का स्तूप चिन्हित होते हैं, किस प्रकार के फ्रेंड्स, रेखिया या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन अपना इसमें राइट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहाँ स्थित है। राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहाँ स्थित है दोस्तों, ये उदयपुर में, अलवर, नागौर या फिर झालावाड़ या नागौर में। कहाँ है दोस्तों ये, 330 वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ है ये, नागौर अजमेर में स्थित है। डी ऑप्शन फ्रेंड्स, डी ऑप्शन अपना इसमें राइट रहेगा, ठीक है। 331, उड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है। उड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है दोस्तों, ये सिरोही में है। ए ऑप्शन फ्रेंड्स, ए ऑप्शन अपना इसमें राइट रहेगा, 331 में ए ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करक रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है। जल्दी से बताएं, उत्तर, दक्षिण, मध्य या फिर पूर्वी भाग से, किस भाग से। 332 फ्रेंड्स किस भाग से, बिल्कुल सही दोस्तों, दक्षिण भाग से गुजरती है। करक रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है। 332 में अपना बी ऑप्शन दोस्तों, बी ऑप्शन राइट रहेगा। 333, मेरवाड़ा पहाड़ियाँ निम्नलिखित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है, वो आपको बताना है, किसका उपविभाजन है दोस्तों, मध्य अरावली श्रेणी का, मध्य अरावली श्रेणी का विभाजन है। तो बी ऑप्शन फ्रेंड्स, बी ऑप्शन फ्रेंड्स में बिल्कुल सही रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 334, राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतरी विस्तार है। राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतरी विस्तार कितना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कितना है दोस्तों इसका। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन अपना इसमें राइट रहेगा, 29 डिग्री 30 से पूर्व से 78 डिग्री 17 मिनट तक पूर्व तक है ये। तो डी ऑप्शन अपना इसमें राइट रहेगा, 334 में डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 335, राजस्थान के शुष्क रेगिस्तान में भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है निम्न के साथ, किसके साथ, नेपाल, चीन, पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ दोस्तों,
अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है उस रेगिस्तान में किसके साथ है? बिल्कुल सही, पाकिस्तान के साथ। सी ऑप्शन दोस्तों 335 में सी ऑप्शन अपना इसमें राइट है, ये आपको ध्यान रखना है। 336 उत्तरी अरावली क्षेत्र में राजस्थान का निम्न जिला है कौन सा सीमित है वो आपको बताना है। 336 दोस्तों उत्तरी अरावली क्षेत्र में राजस्थान का निम्न जिला सीमित है कौन सा? दौसा। ए ऑप्शन फ्रेंड्स अपना इसमें राइट है, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेगाना क्षेत्र राजस्थान में किस खनिज के लिए जाना जाता है? डेगाना क्षेत्र राजस्थान में किस खनिज के लिए जाना जाता है दोस्तों? किस खनिज के लिए? टंगस्टन के लिए। सी ऑप्शन अपना इसमें राइट है। ठीक है, 337 में सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, राजस्थान में बोमट क्षेत्र संबंधित है, राजस्थान में बोमट क्षेत्र संबंधित है किससे दोस्तों? उदयपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा या अलवर से? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या रहेगा? उदयपुर से। 338 में फ्रेंड्स अपना ए ऑप्शन दोस्तों अपने इसमें बिल्कुल सही है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, बोराट का पठार यहाँ अवस्थित है कहाँ? ये आप जल्दी से कमेंट करके बताएं फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, कहाँ स्थित है बोराट का पठार, कहाँ स्थित है ये? ये है उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुमलगढ़ से गोगुंदा तक है। ए ऑप्शन दोस्तों 339 में अपना ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, 340 तोरावाटी की पहाड़ियां किस क्षेत्र में विस्तृत है? शेखावाटी, मध्य अरावली, बूंदी या फिर अलवर में? जल्दी से क्या रहेगा इसका सही आंसर? तोरावाटी की पहाड़ियां किस क्षेत्र में अवस्थित है? शेखावाटी के क्षेत्र में। ए ऑप्शन फ्रेंड्स इसमें राइट रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चड़स है, चड़स क्या है ये आपको कमेंट करके बताना, जल्दी से बता सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, और आपने ये यूज भी की होगी कभी बस में, आपके माता पिता ने भी। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स? कुएं से सिंचाई हेतु पानी निकालने का चमड़े का बना पात्र चड़स कहलाता है, यानी सी ऑप्शन दोस्तों, सी ऑप्शन प्राइस में राइट है, ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे दिख लीजिए, जिससे आप लाइक जरूर करना, लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। जो स्टूडेंट्स चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सामने के बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों, जिससे आगे जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो है सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आपको आज वो क्लास प्राप्त नहीं हो, कल 4:45 बजे दोस्तों आपकी हमने वो वीडियो अपलोड भी कर दी है, मिस्टेक से हो गया दोस्तों, जब करना आज था वो हो गया कल के लिए, तो आपको वो क्लास कल मिलने वाली है, कल 4:45 पे शाम को आपको वो क्लास मिलेगी, जिसमें आपको पूरे 85 क्वेश्चन मिलने वाले हैं फ्रेंड्स, पूरे 85 क्वेश्चन है, पूरा मॉडल पेपर है, तो आप वो क्वेश्चन आप जरूर देखना, वो वीडियो जरूर देखना, इससे पहले आप इस वीडियो को फ्रेंड्स आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राजस्थान में प्रचलित सुरलिया, थोड़ा मिसप्रिंट है दोस्तों, राजस्थान में प्रचलित है सुरलिया आभूषण किस अंग में पहना जाता है? किस अंग में पहना जाता है फ्रेंड्स? वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स? किस अंग में पहना जाता है दोस्तों? ये गले में पहना जाता है, कहाँ पहना जाता है? गले में। तो सी ऑप्शन अपना इसमें राइट रहेगा, सूर्याभूषण कहाँ पहना जाता है? गले में। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, 276 हिंदुओं का ऐसा राजा जो हिंदू समाज, संस्कृति व धर्म रक्षक का हो उसे क्या कहते हैं? जल्दी सुनाएं, हिंदुओं का ऐसा राजा जो हिंदू समाज, संस्कृति व हिंदू का धर्म का रक्षक हो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं हिंदू पथ कहते हैं उसे। बी ऑप्शन फ्रेंड्स, बी ऑप्शन फ्रेंड्स में राइट रहेगा, 276 में बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट, वंशावली पढ़ने लिखने का काम करने वाली एक प्रकार की जाति है, वंशावली पढ़ने लिखने का काम करने वाली एक प्रकार की जाति कौन सी है? 277 दोस्तों कौन सी है वो? बड़वा भाट दोस्तों, सी ऑप्शन प्राइस में राइट रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 278 सच्चियार संबंधित है, सच्चियार संबंधित है किससे संबंधित है दोस्तों? ये जल्दी सताएं, सच्चियार संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो दही मंथन का एक पात्र होता है सच्चियार। ठीक है, ये आपको याद रखना है, तो बी ऑप्शन दोस्तों 278 में बी ऑप्शन बिल्कुल सही है अपना। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के टॉप 25 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आपने कवर किए और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना। ठीक है, तो चलिए कल वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो मैंने आपसे पूछा था, कल का प्रश्न था अपना, चित्तौड़ दुर्ग का तीसरा जोहर किसके नेतृत्व में हुआ? भटियानी रानी, फूलकंवर, धीरबाई या फिर कर्णावती? फ्रेंड्स जितने भी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर बताया है बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, और मैं जल्दबाजी में था तो उनका नाम नहीं ले सकूंगा, मैं कर लूंगा आपका नाम, तो इसका सही आंसर बिल्कुल सही था दोस्तों आपका, कौन था वो, कौन थी वो? फूलकंवर, बी ऑप्शन दोस्तों सभी स्टूडेंट्स का सही था दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट्स ने आंसर दिया उन सभी का सही था। तो चित्तौड़ दुर्ग का तीसरा जोर किसके नेतृत्व में दोस्तों? फूलकंवर के, तो बी ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल सही था दोस्तों। ठीक है, और ये है आज का प्रश्न दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है,
हिम पक्षियों का शीत बसेरा किस अभयारण्य को कहा जाता है? मुकुंद्रा हिल्स, आबू, केवलादेव घना या फिर नाहरगढ़? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों, न कि लाइव क्लास में, ठीक है? तो आप बताएं हिम पक्षियों का शीत बसेरा किस अभयारण्य को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए, तो आप कमेंट करके आप जरूर बताना। और फ्रेंड्स आप कल जो 4:45 बजे आपकी क्लास है, 4:45 बजे फुल 85 प्रश्न मॉडल पेपर, वो प्रश्न आप जरूर ज्वाइन करना और वीडियो को शेयर कर देना। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। फिर आप अपनी स्टडी लगातार जारी रखें, क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपके एग्जाम जब तक आपकी कंप्लीट ना हो जाए आपको लगातार स्टडी करते रहना, और जैसे ही कोई अपडेट मिलती है फ्रेंड्स आपके एग्जाम से संबंधित, हम आपको कमेंट करके या आपको वीडियो बनाकर आपको बता देंगे, तो आप लगातार स्टडी करते रहो। फ्रेंड्स आप जो 4 से 5 घंटे पढ़ रहे हैं वो आप टाइम बढ़ा दे अपना, कम से कम 6 से 7 घंटे कर दीजिए, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ता है, एक साथ में टाइम नहीं बढ़ता, तो आप लगातार स्टडी करते रहें फ्रेंड्स। और मैं अपना 100% देने की पूरी कोशिश करूँगा कि आप अपने एग्जाम में सेलेक्ट हो। तो फ्रेंड्स यह था हमारा आज का वीडियो, कल वाली क्लास जरूर ज्वाइन करना। 85 प्रश्नों में पूरे 50 मिनट का वीडियो मिला है फ्रेंड्स, पूरा 50 मिनट का वीडियो है जिसमें आपको 5 से 5 सेकंड का समय भी दिया गया, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।